हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हर एक क्षण जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग एग्जाम के बहुत करीब आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग एग्जाम के करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें मजबूत सा कंटेंट अपने साथ खड़ा करें, और उसी मजबूत से कंटेंट को खड़े करने के ऑर्डर में ही मैंने आज आपके लिए कुछ तैयार किया है, कुछ बनाया है जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इसको जान लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि आप क्या जानते हो। आप जानते हो दो बातें आपको पढ़ाई गई हैं आपके स्कूलों में, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। पहली बात तो यह है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और दूसरी बात है टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। बेटा ये महाघटिया दो बातें हैं जिनको आपने पढ़ रखा है। अगर ये दोनों बातें महाघटिया हैं जिनको आपने पढ़ रखा है तो बात यहीं से शुरू हो जाएगी कि फिर और बातें क्या हैं जिन्हें आपको अब पढ़ना है। बेटा आगे आप जरा देखिए कि आपको मैं क्या पढ़ाता हूं उस पर जरा आप फोकस करें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो देखें और पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा तभी कुछ सीख भी पाएंगे आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इसी से जरा देखो भी क्या बात निकल के आ जाएगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि यहां से एक बात पता लग जाता है, जैसे कि अगर हम कहीं सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप देखते हैं तो हम बोलते हैं कि कार्बन पे डेल नेगेटिव, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव आ गया और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, डेल पॉजिटिव आ गया। तो बेटा जो कार्बन पे डेल पॉजिटिव आया है, जरा देखो यहां दो बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है जो कि कौन सा है, सिग्मा है, और एक बॉन्ड है जो कि कौन सा है, पाई है। तो जान लीजिए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई बॉन्ड पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं लगता, यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन नहीं लगता है, यानी पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे जाते हैं। मींस कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनअफेक्टेड। इन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये काफी जानकारी की बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ही अट्रैक्ट किए जाते हैं। दूसरी बात जो मैं इसी ऑर्डर में आपको बताना चाहूंगा, वो आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोई बॉन्ड बना है, और एक बार मैं बात करूं कि क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कोई बॉन्ड बना है, तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि क्लोरीन पे डेल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनको थोड़ा सा क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है, और जिस प्रॉपर्टी से खींचता है उसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द सिग्मा बॉन्डेड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द इटसेल्फ। अगर यहां जरा देखिए, यहां इस पे डेल नेगेटिव आ जाएगा और इस पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को देखेंगे तो हमें यहां पता लग रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जब यहां हम लोग देखेंगे तो हम पता पाएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। यानी यहां से पता लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी। रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी है मतलब कि तुलनात्मक रूप से बदलता है। इसी क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कुछ और था, लेकिन इसी क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में कुछ और हो गया। कुछ और से मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जब इसको नापा गया विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा पाई गई, लेकिन जब इसको नापा गया विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या पाई गई, कम पाई गई। बेटा इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। हमने आपको बताया कि जो आप जानते हैं वो किसी काम का नहीं है, ये मैं धीरे धीरे प्रूव भी कर दूंगा अभी। फिर हमने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन को थोड़ा सा एलाबोरेट किया, उसके बाद ये बताया कि
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट, और वी कैन से दैट इट इज द यूनिटलेस। आगे हम बात करेंगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जान लीजिए कि दो, हालांकि तीन थियोरियां हैं, लेकिन हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो थियोरी पढ़नी है। एक तो पढ़ना है पॉलिंग स्केल, कौन सा स्केल, पॉलिंग स्केल पढ़ना है। तो जरा देख लीजिएगा पॉलिंग, पॉलिंग स्केल क्या कहता है, पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या कहता है जरा देख लीजिएगा। पॉलिंग स्केल के हिसाब से ये काई बोलते हैं इसको, मैं एक्स पढ़ता हूं क्योंकि काई बोलना मुझे थोड़ा सा अनफिट सा लगता है, तो इसको एक्चुअली साइंस में काई बोलते हैं लेकिन हम इसे एक्स प्रोनाउंसिएट करेंगे। एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल्स टू 0.208 अंडर रूट डेल ए बी, दिस इज इन किलो कैलोरी पर मोल, और अनदर इज एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल्स टू 0.102 अंडर रूट डेल ए बी किलो जूल पर मोल। यहां जो एक्स ए है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए होता है, और जो एक्स बी है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी होता है, और जो आपका डेल ए बी है वो है एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी, एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी। जैसे ही मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी तो बच्चा मुझसे पूछेगा सर इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो जरा देखिए अगर डेल ए बी जो होता है वो होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, बी बी डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जब हम ए बी के बॉन्ड एनर्जी में से ए ए और बी बी का एवरेज निकाल के सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी कुछ मिलता है हमें वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी। यानी सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ा पॉलिंग स्केल में। पॉलिंग स्केल में दो फॉर्मूले हमको नोन है, एक तो ये और दूसरा ये, यूनिट ध्यान रखिएगा, और इसमें x डिनोट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ a को, x भी डिनोट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ b को, डेल a भी क्या है, एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी। एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ये मैंने आपको बताया। अब पॉलिंग स्केल की कुछ खास बातें हैं जान लीजिए। ये पूरा का पूरा जो पॉलिंग स्केल है ये डिफाइन है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन डिफाइन है, और अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कंसीडर किया गया है दैट इज 2.1। और तीसरी बात पॉलिंग स्केल के हिसाब से जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दो बातें आप ध्यान से जान लीजिए। पहला तो ये विद रिस्पेक्ट की पॉलिंग स्केल इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, एंड सेकेंड थिंग इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल इज कंसीडर्ड टू 2.1। अब इसी सिलसिले में हम लोग आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो दूसरे स्केल की बात करेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में दूसरा स्केल दिया गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में जो दूसरा स्केल दिया गया है वो मुल्किन स्केल है, कौन सा स्केल, मुल्किन स्केल है। बेटा मुल्किन्स स्केल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सपोज एक्स है तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर हमें किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए किस स्केल में, मुल्किन स्केल में, तो क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2। इसको समटाइम बुक्स वगैरह में XM भी दिखाते हैं, ये ऐसे लिखा रहेगा EA प्लस IE अपॉन 2। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और तब लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम जाने पे घटेगा, इससे काम नहीं चलेगा। फर्दर अगर हम पॉलिंग को मुल्किन से रिलेट करना चाहें तो ये एक्सपेरिमेंटल IV वैल्यूज हैं, ये भी जान लीजिए कि x पॉलिंग जो होता है xm अपॉन 2.8 होता है। अगर हम पॉलिंग स्केल को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तो xp xm मुल्किन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ea प्लस ie अपॉन 2 इनटू 2.8 यानी 5.6 हो जाएगा। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या
कि नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केस ऑफ पॉलिंग स्केल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज फॉर विच वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां से हमने जाना कि टोटल हमारे पास कितने स्केल हैं, टोटल हमारे पास कितने स्केल हैं बेटा, दो स्केल हैं, एक मुल्किन का है और दूसरा किसका है, पॉलिंग का स्केल है। अब आइए कुछ हम आपको ऐसी बातें बताते हैं जो काफी बेहतरीन और इफेक्टिव हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करूं और पॉइंट नंबर वन बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी स्पीसीज, और आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी स्पीसीज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसको मैं जरा समझा देता हूं कि दुनिया के किसी भी स्पीसीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर मैं HCl में क्लोरीन के पास देखूं तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 2.8.8 है, किसमें, HCl में। लेकिन अगर मैं सिर्फ Cl में देखूं तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.7 है। होप कि सारे बच्चे इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि यहां एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी आ गया, इसलिए यहां पे इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन यहां भी जो अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज कोई एक्स बोलता है तो यहां भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलनी पड़ेगी, एक्स ही बोलनी पड़ेगी। बाय चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल नॉट बी चेंज, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो अगर आपको मेरे पहले पॉइंट का अर्थ समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या है पहले पॉइंट का मतलब, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से पूरी तरह से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी बात जो है वो ये है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस कौन कौन से हैं आप उनको जानते हैं, इन्हें और क्या बोला जाता है, नॉबल गैसेस भी बोला जाता है। ये भी आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में काफी अच्छे से बता रखा है। हमारे पास इनर्ट गैसेस नोन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और हैलोजन। ये बेटा जो भी इनर्ट गैसेस हमारे पास हैं, इन इनर्ट गैसेस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जीरो होता है। आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जीरो क्यों होती है, तो बेटा ये किसी से नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जब ये किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अस्तित्व तो ही नहीं रहेगा, एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड ओनली फॉर द सिग्मा बॉन्ड। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी से बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो इनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यानी मैंने दो बातें बोली हैं, पहली बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से पूरी तरह से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और दूसरी बात मैंने बोला है आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनर्ट गैसेस की क्या होती है, इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है। तीसरी बात मैं आपको बोलूंगा बेटा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, कारण भी बता देता हूं, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये मैंने आपको काफी एक अच्छा सा लेक्चर डाल के हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बट मैं यहां आपको समझा देता हूं। देखो जैसे अगर कोई एक एटम है, इसकी दो डिफरेंट साइजेस में कंसीडर कर लेता हूं, ये किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बना लेगा तो ऐसी स्थिति होगी, ये इलेक्ट्रॉन उस किसी अगली स्पीसीज का है, मान लो एक्स मान लेता हूं जिसके साथ इसने बॉन्ड बनाया है। अब जरा देखना कि इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने कोई भूत तो आ नहीं रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिस एटम के साथ ये बॉन्ड बना है उसका न्यूक्लियस ही इसको खींचेगा। अब अगर साइज बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस से इन बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको R1 मान दूं तो इसको R2 मानना पड़ेगा, R2 greater than R1। बहुत ध्यान से सुनना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अस्तित्व है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जो अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है, कौन खींचता होगा,
न्यूक्लियस खींचता होगा, तो बेटा जब न्यूक्लियस खींचता होगा तो इन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस से दूरी जितनी कम होगी उतना ज्यादा खींचे जाएंगे। यही कारण है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज क्या हो जाती है, साइज घट जाती है, इसीलिए फाइनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे बेटा, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है। क्यों घट जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप जाने के शुरू में तो घटता है लेकिन उसके बाद कांस्टेंट रहता है। ये बात मैंने एक्सप्लेन कर रखी है एक लेक्चर में, अगर आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल वाले प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वहां ये सब बातें बताई गई है। तो फाइनली साइज बढ़ जाने की वजह से ड्यू टू इंक्रीज इन साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई साइज बढ़ जाएगी तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से दूरी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और कूलॉम कहता है कि जब भी दूरी बढ़ेगी चार्जेस के बीच में तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये बहुत भारी बात आपसे बोलने चल रहा हूं कि ये नियम हर जगह सही नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं क्या पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा ग्रुप जानते हो जिसमें टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बजाय घटने के बढ़ता हो, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप ऐसा कोई भी ग्रुप जानते हो पीरियोडिक टेबल में जिसमें टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बजाय घटने के बढ़ता हो? तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा, जो आपका ग्रुप 12 है ना बेटा, ग्रुप 12 में कौन, जिंक कैडमियम मरकरी सीएन, ये जो ग्रुप 12 है इसमें टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। आपको झटका सा लगा होगा मैं जानता हूं, लेकिन इसको जरा आप मान लीजिएगा और मानिएगा मत मेरी बात। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है और आप हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट जब करोगे तो तुम पाओगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर रखूं तो सबसे ज्यादा सीएन का है, फिर उसके बाद एचजी का है, फिर सीडी का है, फिर जेडएन का है। देखने में क्या लगता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। लेकिन ये बात यहां पर लागू नहीं होती है और अगर कोई कॉमन बात जहां भी वायलेट होगी वो अपने में काफी अच्छा इंपॉर्टेंस रखता होगा। इतनी बातें होने के बाद ये याद रख लीजिएगा बेटा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। अगर मैं इससे आगे बढ़ूं और इससे आगे बढ़कर के आपको बताऊं कि बेटा सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना पूरे पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन की होती है लगभग 4, और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है 4, और सबसे कम जो है वो सीजियम की होती है लगभग 0.7। रीजन भी जान लो कि सबसे राइट ये है, इसके बाद तो इनर्ट गैसेस आ जाएंगे, और सबसे बड़ा साइज किसका है, सीजियम का है, सीजियम से बड़ा कोई भी नहीं है। फिर वो फ्रांसियम वगैरह वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनको हमको कंसीडर नहीं करना है। यहां से इतनी बात मैंने आपको समझा दिया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी जानने योग्य बातें हैं। अगर मैं बात करूं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट डालते हैं, तो उनको डिस्कस कर लेना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जरा देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे पहले बात बेटा है चार्ज की। सबसे पहले मैं बात कर देता हूं चार्ज की, तो दो तरह के चार्ज साइंस में नोन है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अब जरा देखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, यानी एयर है, कहीं कहीं एयर +1 है, कहीं एयर +2 है और कहीं एयर +3 है, तो जैसे जैसे किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट जाएंगे अगर, तो बेटा सबसे पहली बात क्या हो जाएगी कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटेगा, ये मैंने आपको समझा रखा है एटॉमिक रेडियस में, और जब साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर
जहां पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा चार्ज भी नोन है जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, जैसे देखिए n n-2 और n-3 है सपोज करिए कहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम सपोज करो यहां लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो अगर नेगेटिव चार्ज बेटा कहीं बढ़ता है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ती है, ये भी आपको एटॉमिक रेडियस मैंने समझा रखा है, और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि कम हो जाएगी तो इसका सबसे ज्यादा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो सबसे पहला फैक्टर हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे प्रभाव का, वो था किसका, सबसे पहला फैक्टर हमने देखा चार्ज का। दूसरा फैक्टर जो है वो है परसेंटेज एस कैरेक्टर। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाला जो दूसरा फैक्टर है वो है परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब जरा आप एक बात को बहुत अच्छे से समझ लेना कि जैसे ही हम न्यूक्लियस से बढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन मिल जाता है, एस मिल जाता है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हो सबसे पहले क्या लिखते हो, 1s2। यानी कि एस, और आपको और भी मैंने बताया था कि एस पी डी एफ में एस का पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस सबसे ज्यादा होता है, और अगर क्लोजनेस टू न्यूक्लियस सबसे ज्यादा है इसका मतलब कि अगर कहीं परसेंटेज, बहुत ध्यान सुनना, अगर कहीं परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि क्लोजनेस टू न्यूक्लियस क्या है, ज्यादा है। और क्लोजनेस टू न्यूक्लियस ज्यादा है यानी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, या कोई चीज न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है यानी क्या है, साइज क्या है, छोटी। इसको साइंस के शब्द में बोले तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, यानी साइज क्या है, छोटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ आई, किसी चीज की साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब जहां निकलते ही एस आता है तो जहां एस ज्यादा है इसका मतलब वो छोटा सा होगा, अगर छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, मोटे तौर पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। साइंस के लैंग्वेज में बात करोगे अगर तो मैं बोल दूंगा कि इफ परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इंक्रीजेस देन इट मींस व्हाट, इट मींस दैट ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीजेस, एंड ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीजेस इट मींस दैट द साइज ऑफ एटम इज मच मोर स्मॉलर, दैट्स व्हाई फाइनली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल गेट इंक्रीजेस। यानी कि सीधे तौर पे बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा करते हैं। अगर कहीं हमारे पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है, वहां पर कोई हमसे पूछे कि किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो वहां हम परसेंटेज एस कैरेक्टर चेक करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक ऑप्शन है ऐसा जो कि कुछ और नहीं इथेन है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऐसा जो कि कुछ और नहीं इथीन है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ऐसा जो कि कुछ और नहीं इथाइन है। यहां अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो sp3 है, यहां चेक करेंगे तो sp2 है, और यहां चेक करेंगे तो sp है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना अगर आप नहीं जानते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में मैं जल्दी ही उस पर एक लेक्चर डालूंगा। यहां अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो 24% है, यहां बात करें परसेंटेज एस कैरेक्टर की तो लगभग 33.3% है, और यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो लगभग 50% है। होप कि आपको परसेंटेज निकालना आता होगा, अगर परसेंटेज निकालना भी नहीं आता है तो पांचवी क्लास से फिर से पढ़ाई करिए और परसेंटेज निकालना सीखिए। मैं बता देता हूं, देख लीजिए 3, 1, 4, 4 ऑर्बिटल में एक एस, तो एक ऑर्बिटल में कितने एस, 1/4, तो 100 में कितना, (100) यानी 25। ऐसे बाकियों के भी निकाला जा सकता है। बेटा यहां से आपने देखा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, अगर मैं इस कार्बन को ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इस कार्बन को सी मान लूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सपोज मैं लिखना चाहता हूं तो कार्बन कौन सा, सी वाला सबसे ज्यादा, फिर कार्बन बी वाला, उसके बाद फिर कार्बन ए वाला हो जाएगा। यहां से हमने डिसाइड किया है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं एक बहुत ही बेहतरीन सी बात बताने चल रहा हूं आपको, वो बात क्या है जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बेटा आज तक आप इतने दिन पढ़ते हो गया,
लेकिन कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखे होंगे। कैसा एग्जाम्पल? कि एक ही मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का अपने अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या बोला मैंने? होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्या करोगे, सब कुछ समझ करके मरना वैसे भी सबको एक दिन है, ऐसे भी है। तो जो लोग समझना चाहते हैं वो ध्यान से बात को देखें। क्या कि अगर मैं sp3d की बात करूं, काफी कॉमन एग्जांपल है pcl5, तो जान लीजिएगा इट इज द मिक्सचर ऑफ sp2 एंड pzdz2। यानी अगर मैं क्वेश्चन करूं sp3d में कौन सा d, क्योंकि d तो होता है dxy भी होता है, dyz भी होता है, dzx भी होता है, dx2y2 भी होता है और dz2 भी होता है। तो sp3d में जो d होता है वो dz2 होता है। आप उससे पूछ सकते हैं कि क्यों होता है, तो उसका भी मैं जवाब दे सकता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। और कहीं भी जब मिक्सिंग होता है तो वो लोग जल्दी मिक्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं। तो पी ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा? एक्सियली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक्सियली डिस्ट्रीब्यूट सबसे पहले कौन आएगा? dz2, क्योंकि वो भी पी के जैसा ही होता है कि नहीं होता है, बोलो। इसलिए पहला डी जो होगा वो जो इन पी के बिल्कुल sp3 में जो पी के बिल्कुल सिमिलर होगा वही वाला डी होगा। अगला डी जैसे d2 होता तो dz2 और dx2y2 हो जाता। जानते रहिएगा इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर कोई पूछे कि sp3d2 में कौन कौन से डी हैं, तो dz2 और dx2y2। अगर कोई कहे sp3d3 में कौन कौन से डी हैं, तो dz2 तो होगा ही होगा, dx2y2 तो होगा ही होगा। ध्यान रखना कि वही डी जल्दी भूलेगा जो इस प्लेन पे होगा, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, जो डी हम ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन का है। यानी कि अगला जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट।